आप जो 13-14 साल के बच्चे हो ना, देखो आई एम वेरी हैप्पी दैट लास्ट मैच में सोल ने अच्छा खेला, उनके मतलब जो एक्चुअल गेम प्ले है उसके हिसाब से खेला। ऐसा नहीं कि उनको जोन मिला है, उन लोगों ने जोन लिया है, ठीक है। ये पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनको खेलना चाहिए था, ठीक है, पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलना चाहिए था। और ऑनेस्टली बोलूँ क्या, उनके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूर्नामेंट में क्या हुआ, ये मेरे को खुद पता है, ठीक है, ये टूर्नामेंट में क्या हुआ है, ठीक है, बोलूँ ना तो वैसे उनकी गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। अपने इंडियन टीम्स का गेम प्ले अलग रहता है, इंडियन टीम्स में अडॉप्ट हो जाते हैं टीम्स, क्योंकि अलग गेम प्ले रहता है, अलग टाइप से बंदे खेलते हैं, उधर के प्लेयर्स का गेम प्ले अलग रहता है, अलग टाइप से उधर के बंदे भी खेलते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 3-4 दिन के टूर्नामेंट में अपनी टीम उधर जाके उधर की टीम के अगेंस्ट अडॉप्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बड़ा इवेंट चाहिए, उसके लिए बड़ा इवेंट चाहिए, एक लीग सिस्टम चाहिए। पकड़ के चलो 20 से 25 दिन का मिनिमम टूर्नामेंट रहेगा ना, तो पहले 6-7 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम का गेम प्ले कैसा है। स्टडी करना पड़ता है सामने वाली टीम्स का, ठीक है, अपने को पता रहता है कि अपने अपोनेंट्स कौन से। 18 टीम खेलती थी ना, तो 17 टीम के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ठीक है। जाके ऐसे जाके उधर जाके फटक से ऐसे जाओ और अच्छी टीम खेलती तो परफॉर्म करो, कोई भी अच्छी, मैं बोलता हूँ ना, नोवा पैरा सॉरी नोवा भी टीम रहती है वहाँ पे, बीटीआर भी रहती है ना, विदाउट प्रिपरेशन अगर जाएंगे ना तो वही हाल होने वाला है, जो हाल हमारा भी हुआ था, जो हाल अभी सोल का भी हुआ है, ठीक है। तो 4 दिन में कोई मतलब 4 दिन के टूर्नामेंट में आप कोई किसी भी टीम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और रही बात, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो बच्चे अभी बोल रहे हैं ना कि #11 इज बेटर देन #13 एंड फलाना टीम का, यस आई एग्री विथ यू गाइज, बट मैं आपको एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम लोगों का वो फ्लैग ऊपर देखना है, ठीक है, और जीतने के लिए खेलना है। तुम लोगों को इस चीज़ में खुशी हो रही है कि #11, मेरे को एक खुशी है कि लास्ट मैच में चिकन मारा, बट #11 इज नॉट अ गुड नंबर, #13 भी नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपना डिबेट किस चीज़ पे होना चाहिए मालूम है, ये क्यों हुआ, ये टूर्नामेंट में क्यों हुआ, लास्ट टाइम पे भी हम लोग टूर्नामेंट में गए थे वो क्यों हुआ। मैं आपको बोलता हूँ ना कि ड्रॉप फाइट्स अपना एक तो क्या देता है लीग में, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई टीम अपने ड्रॉप पे आती है, फॉर एग्जांपल समझो पेकाडो पे कोई टीम है, या फिर चलो होकाडो नहीं, हमारा एग्जांपल लेते हैं, हसियंडा में कोई टीम है, ठीक है, हम लोग टूर्नामेंट में जाते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट में जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पे उनके साथ अगर फाइट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, 4-5 बार अगर हम लोग उनको मारते नहीं है तो वो लोग ड्रॉप पे आते ही रहेंगे, समझे आप। अगर हम लोग 4-5 बार उनको मार देंगे तो हम तो जाने ही वाले, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट है हम लोग इनको मार देंगे करके, और वो भी सोचेंगे ना एक टाइम के बाद मार खा के आके कि भाई ड्रॉप छोड़ दो करके। तो ये कब होता है, ये जब बड़ी लीग होती है ना उसमें होता है, अपना ड्रॉप सिक्योर करना इसको बोलते हैं। कैसे सिक्योर किया जाता है, सामने जो अपने टीम में अपने अपोनेंट में जो टीम आती है ना उनको मार मार के अपन अपना ड्रॉप सिक्योर कर सकते हैं, बट उसका उतना मौका भी नहीं मिला उनको। 4 दिन के टूर्नामेंट में 17 टीम का स्टडी करो, 17 टीम के रोटेशन देखो, 17 टीम के ड्रॉप्स देखो, 17 टीम का गेम स्टाइल देखो, ठीक है, उस चीज़ में अडॉप्ट करो खुद को। ये सारी चीज़ें इज नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ईजी नहीं है। आपको लगता है कि भाई हाँ चलो गाड़ी निकाली, जोन में चले गए, जोन में एक जगह मिल गई और हाँ सिक्योर कर लिया, ऐसा नहीं होता ना भाई, ये बड़ा इतना ईजी तो नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो तुम लोग देखो, मैं अभी क्या बोलता हूँ, एक अच्छी चीज़ हुई कि लास्ट मैच में चिकन आया और कहीं ना कहीं पे एक अच्छा अपने को भी देखने मिला चीज़, ठीक है। तो अभी इसके बाद यही है, मैं खुद चाहता हूँ कि इसके बाद सोल हो, कोई भी टीम हो, TX हो, और गॉडलेक के भी अपने जितने भी फैंस हैं, ठीक है, जितने भी गॉडलेक के फैंस हैं ना, अगर आप सच में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग के फैन हो ना तो मत करो ये सारी चीज़ें, अभी किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने लास्ट मैच में चिकन मार के दिखा दिया कि भाई उनमें भी पोटेंशियल है, बस वो पोटेंशियल ऐसा भी नहीं सकते बोल सकते कि मिस था पोटेंशियल, बट यस जो प्रिपेयर नहीं हो पाए वो प्रॉपर, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई किया। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व भी की कि गेम बैन होने के बाद भी वो लोग प्रैक्टिस गेम्स खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे थे, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उन लोगों ने इंडिया में तोड़ा भी है, कुत्ते छाप मारा भी है, ठीक है, फाइट में भी उन लोगों ने दिखाया भी है कि भाई हाँ वो लोग डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये बस इतना ही चीज़ है कि इतने 3-4 दिन के टूर्नामेंट में नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें, नहीं स्टडी कर